लालू प्रसाद यादव की सजा पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन जी हैं। शहनवाज जी, क्या पहली प्रक्रिया है आपकी? देखिए, अदालत का निर्णय है और अदालत के निर्णय का सबको स्वागत करना चाहिए। चारा घोटाला बहुत दिनों से मामला अदालत में था, पहले भी इस पर एक मामले में सज़ा हुई है और ये दूसरा मामला था जिसमें सज़ा हुई है। तो कानून ने अपना काम किया है और इस पर किसी को भी उंगली नहीं उठाना चाहिए। आप बिहार से हैं और बिहार में इस फैसले के बाद आरजेडी का भविष्य क्या देखते हैं आप? आरजेडी का भविष्य तो आरजेडी को देखना है, उनके लोगों को, और भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना काम करते हैं। उनकी पार्टी में क्या हो रहा है ये उनका मामला है, हम उनके मामलों में कोई दखल नहीं देते। अदालत ने सज़ा का ऐलान किया और उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया कि सामाजिक न्याय और समरसता के लिए वो मरने को भी तैयार हैं, तो इस ट्वीट का क्या मतलब निकाला जाए? क्या जनता की सहानुभूति बटोरना चाहते हैं, क्योंकि एक आपराधिक मामले में सज़ा हुई है, फिर इस तरह का ट्वीट का क्या मतलब है? देखिए, अदालत पर भरोसा भी जता रहे हैं आरजेडी के लोग, अदालत पर उंगली भी उठा रहे हैं, ये दोनों कैसे चल सकता है? कह रहे हैं ऊपरी अदालत में जाएंगे, निचली अदालत को तरह तरह की बात कही जा रही है। जब ये मामला हुआ तब केंद्र में भी आरजेडी की सरकार थी, गुजराल साहब थे, जनता दल के प्रधानमंत्री थे, राज्य में भी आरजेडी की सरकार थी, तो किसने फंसा दिया उनको? उस वक्त तो बीजेपी कहीं पे थी नहीं। लेकिन लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार जो है वो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, यानी उंगली आप पर भी उठाई जा रही है। देखिए, ना हमारा रोल है ना आप पार्टी का रोल है, आप करें आप पर, तो किस पर कौन? अदालत पर उंगली ना उठाए कोई, ये अदालत का निर्णय है। अदालत कई बार सीबीआई जो कहती है उस कहने के बाद भी उनके कहने से अलग भी निर्णय दिया अदालतों ने, और यहाँ पर अदालत ने निर्णय दिया तो फिर उंगली और किसी पर क्यों उठेगी? अदालत के फैसले का सबको सम्मान करना चाहिए और अदालत की बेहरमती किसी को नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो शहनवाज हुसैन जी का कहना है कि अदालत ने फैसला सुनाया है और इसलिए अदालत के फैसले पर उंगली उठाना ठीक नहीं, हर किसी को अदालत के फैसले का सम्मान करना चाहिए। राघवेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली।